वेलकम टू श्री जी फूड। आज हम बनाएंगे प्रसाद के लिए एक और रेसिपी, कोपरा पाक। कोपरा पाक जनरली हम मावा यूज़ करके या शुगर की चाशनी बना के बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे इजी मेथड से कोपरा पाक किस तरह से बनाना है वो सिखाने वाली हूँ। हम इसमें मावा का यूज़ नहीं करेंगे और आपको कोई चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये बहुत ही जल्दी और ईजी वे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए कोपरा पाक बनाना शुरू करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब कोपरा पाक को परफेक्ट बनाने के लिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से मिनी वेट स्केल से नाप के ही लेंगे। तो सबसे पहले बाउल रख के वेट स्केल को जीरो कर देंगे। अब इसमें हम 100 ग्राम शुगर कर लेंगे। ये शुगर हो चुकी है। इसी तरह से हम कोकोनट पाउडर भी 100 ग्राम कर लेंगे। रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए अगर आप इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से मिनी वेट स्केल से नाप के लोगे तो वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी मैं जो वेट स्केल यूज़ कर रही हूँ उस तरह का अगर आप परचेस करना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अब हमारा कोकोनट पाउडर, मिल्क, शुगर, घी, येलो फूड कलर और इलायची का पाउडर, सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है। तो सबसे पहले हम मिल्क और शुगर को मिक्स करके गरम करने के लिए रख देंगे। इसे मीडियम गैस पे गरम करना है। तीन से चार मिनट के बाद इसमें इस तरह से उबाल आने लगेगा। अब हम गैस लो करके इसमें से एक ड्रॉप हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये उसी जगह पे थोड़ा हिल रहा है लेकिन स्प्रेड नहीं हो रहा, तो अब ये रेडी है। तो अब हम इसमें येलो फूड कलर थोड़ा ऐड कर देंगे और इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। कलर ऑप्शनल है, अगर आप वाइट रखना चाहो तो वाइट भी रख सकते हो। जब ये मिक्स हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। अब कढ़ाई को नीचे उतार के अब हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। जब ये हाफ मिक्स हो जाए तब हम घी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ग्रीस की हुई कोई थाली या टिन में निकाल लेंगे। अभी मैं इसके थोड़े थिक पीस बना रही हूँ तो इसे हाफ पोर्शन में ही डिवाइड कर रही हूँ। अगर आपको पतले पीस चाहिए तो आप पूरे में भी फैला सकते हैं। अब इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता ऐड करेंगे। थोड़ा केसर ऐड करेंगे। अब इसे चम्मच से प्रेस कर लेंगे। इसके ऊपर कट लगा देंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारा कोपरा पाक सर्विंग के लिए रेडी है। हमने इसमें मावा का यूज़ नहीं किया, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप अगर दूध के बदले पानी यूज़ करना चाहो तो पानी भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।